हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 जो है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होने हैं हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस डिस्कस। देखिए आपको क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें आपके काफी सारे पार्ट्स हैं जिसमें से हम फर्स्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो फर्स्ट वन, दैट इज 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। ठीक है, 10 टर्म्स तक आपको इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं हाफ पोर्शन में यहाँ आपको ये करवाने वाली हूँ और यहाँ करवाने वाली हूँ फोर्थ। ठीक है, दैट इज 1/15, 1/12, 1/10, 11 टर्म्स। ठीक है, इसका सम आपको 11 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है, सम निकालना है। एज यू नो, जो एस एन है उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d। इट मीन्स ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अब आपको बोला गया है 2/10 टर्म्स। ठीक है, इट मीन्स आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, आफ्टर दैट आपको बोला गया है 10 टर्म तक निकालना है। ए क्या होता है, ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है, यानी ए इज इक्वल्स टू 2। ओके, आफ्टर दैट n आपको पता चल चुका है। अब आपको चाहिए d, d आपको निकालना आता है, 7-2 विच इज इक्वल्स टू 5। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, पुट इन फर्स्ट, यू गेट s 10। दिस इज व्हाट, दिस इज द, ये हम सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं। ओके, 10 आपको लगाना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एस एन लिखा हुआ है। इट मीन्स 10/2 मल्टीप्लाइड विद ए विच इज 2 प्लस n-1, इट मीन्स 9 एंड d इज योर 5। ओके, आफ्टर दैट 5 इंटू दैट इज योर 4, दैट इज 45 एंड 5 इंटू 49 विच इज इक्वल टू 245। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एस 10 आ गया जो कि आपको फाइंड आउट करना था। देखिए बहुत ही इजी और सिंपल वे से हमने किया, कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली यहां निकालेंगे, यहाँ पे n कितना है आपका, कितने टर्म्स तक बोला गया, 11 टर्म तक, तो ये हो जाएगा 11। अब आपकी a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 1/15। आपकी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12 - 1/15, टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा आपके पास 60 एंड 12 5 15 4 that is 1/60। आफ्टर दैट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप हर एक पार्ट के शुरू होने से पहले ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, राइट। तो एस 11 ये हो जाएगा आपके पास n/2, इट मीन्स 11/2, राइट। 2a यानी 2 × 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड विद 1/60। ओके, ये से कैंसिल, दैट इज 11/2 और ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6, राइट। आफ्टर सॉल्विंग, आप इसको सॉल्व करेंगे जब एलसीएम लेके, इनका एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा, 30 एंड दिस वन इज 5+4। ओके, या 4+5, ये हो जाएगा आपका 15, 2 × 2 = 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 11/2 मल्टीप्लाइड विथ 9/30 कैंसलिंग, इट विल बी 3/10, इट मीन्स 33/20, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, मैं जानती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, बट इस स्मॉलर फेस के लिए फिर दूसरी हमें स्लाइड लेनी पड़ती है, दैट इज वाई, बिकॉज ये बहुत ईजी है, आप इसे इजिली कर सकते हैं। सिर्फ आपको ए एन और डी निकालना है, राइट। आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी आपके पास काफी पार्ट्स हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब आपको ये नहीं बोला गया है कि कहां तक आपको सम निकालना है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए आपने करना क्या है, आपको लिखना है सम, ठीक है, डिनोटेड बाय एस एन। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताने वाली हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। देखिए, अब n आपको पता नहीं, सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए सबसे पहले a देखिए, आपके पास a क्या है, 7। आफ्टर दैट आपका d क्या हो जाएगा, 10 इज टू 1/2 -7,
इट मीन्स 20/2 - 7। अब आपका 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम, ठीक है, सॉरी 21 आपका एलसीएम, दैट इज 21 - 14 और 7/2, ये आपका डी आ गया, राइट। अब ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो है वो हमें 84 गिवन है, दैट इज 84, ओके, सो पुट इट हियर 84, क्योंकि ये एन आपको पता नहीं है कितना है, हमें ये पता है ये सेकंड है ये थर्ड। आपको कि मैम हम ये भी तो ले सकते हैं, ए एन ए टू ले लेते हैं, थ्री लेते हैं, लेकिन फिर निकालोगे क्या, यहाँ पे आपको एन निकालना है, हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी और यहां तक का सम निकालना है, इसलिए हम ये वाली टर्म ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज 84। सो 84 इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज योर ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो आपका ए कितना है 7 + n - 1 और आपका डी कितना है 7/2। After that 84 - 7 is equals to n - 1 × 7/2, ये आपके पास हो जाएगा 77, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 7 यहाँ, ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी 11, इट मीन्स 22 इज इक्वल टू n - 1 एंड 22 + 1 इज योर n, तो यहां से n की वैल्यू आ गई आपकी 23। अब आपको करना क्या है, सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, चलिए पुट कर दीजिए, n आ गया 23/2, 2 इंटू ए आ गया आपका 7 प्लस n - 1 यानी कि 22 और d कितना था 7/2, ठीक है, यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आपकी वैल्यू आती है। एक चीज हम और कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि ये लास्ट टर्म है दैट इज योर an, ये सिर्फ हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो दैट इज योर an, तो हमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक चीज करवाई थी, n बाय टू इट कैन बी रिटन एज a प्लस n - 1 इंटू डी, इट मीन्स n बाय टू दैट इज a प्लस an, ठीक है। अब 23rd टर्म ये है, ठीक है, और n की वैल्यू भी हम यही ले रहे हैं a प्लस l, ये हमने सिर्फ तब यूज करना जब हमें लास्ट टर्म पता, और यहाँ पे लास्ट टर्म आपकी क्या है 84 है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए 23/2, a कितना है आपका 7, लास्ट टर्म क्या है आपकी 84, उससे क्या होगा आपकी जो लॉन्ग कैलकुलेशन है ये बच जाएगी, यहीं पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 23/2 × 91 विच इज इक्वल टू 2093/2। आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके, यहां से भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, ओके, एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन, आपको एन भी निकालना है और आपको एस एन भी निकालना है, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, तो एपी में आपको पता है ये ए बी है, डी बी है, ए एन भी है, एन निकाल लीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब ए एन आपके पास कितना है 50, ए कितना है 5, एन माइनस वन और डी आपको गिवन है 3, ये हो जाएगा आपका 45/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ओके, ये मैंने 5 यहाँ शिफ्ट किया 45, उसके बाद 3 से हमने डिवाइड किया क्योंकि इसके साथ डिवाइड में है, आफ्टर दैट दैट इज 15, ठीक है, तो 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 16 इज इक्वल्स टू n, ये आपका क्या आ गया, n आ गया, राइट। एस एन निकालना है यानी एस 16 निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी, ओके, इट मीन 16/2, आफ्टर दैट 2a, a कितना है आपका 5, 16 - 1 इंटू डी इज योर 3, दैट इज योर 8, ये हो जाएगा आपका 8, आफ्टर दैट 2 × 5 इज 10, ये हो जाएगा 15 - 3 45, यानी कि 8 × 55 दैट इज योर 440, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका एस एन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके इस पार्ट को सॉल्व करना, आइए बात करते हैं इसी के एक और पार्ट के बारे में, ठीक है, दैट इज योर सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट के बारे में और मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जिसमें आपको n और d निकालना है, इसे हमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे, देखिए अब आपको n निकालना है, d निकालना है, sn आपको गिवन है, sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय टू
टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, दिस इज योर फॉर्मूला. ए एन गिवन है, ए एन होता है आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. 62, पुट हेयर 62, ए इज योर 8, एन माइनस वन इन टू डी, राइट. राइट दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन. 62 माइनस 8 इज योर एन माइनस वन इन टू डी, तो ये हो जाएगा आपका 54 इज एन माइनस वन इन टू डी. ये आपकी वैल्यू आ गई, राइट. पुट इन फर्स्ट, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. क्यों? देखिए SN आपका 210, ओके. N बाय 2, हमें नहीं पता N कितना है अभी, ओके. 2A यानी 2 इंटू 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब हमें फिर से N भी नहीं पता है, D भी नहीं पता है. मैंने आपको बार बार चीज समझाई हुई है कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है, आपको दो इक्वेशन, अगर आपके दो वेरिएबल निकालने तो दो इक्वेशन होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, तो एक की वैल्यू दूसरे में पुट करनी पड़ेगी. अगर आप और कोई मेथड लगाना चाहें जो हमने थर्ड में यूज किया वो भी लगा सकते हैं. दिस वन इज 210, एन बाय 2 आपको पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका 16, इसकी वैल्यू हो गई 54. तो यहां से हम एन निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 420 इज इक्वल्स टू एन इन टू 70, ओके. आफ्टर दैट 420 बाय 76, इट मीन्स आपकी जो एन की वैल्यू आ गई वो आ गई 6. नाउ पुट इन दिस इक्वेशन, 54 इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू डी, पुट इट हेयर. तो ये हो जाएगा 54 एन माइनस वन, 6 माइनस वन इन टू डी, 54 बाय 5 इज योर डी. तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी डी आ गई. तो इट मीन्स हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एस एन ए एन गिवन हो, ठीक है. तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, राइट. तो अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में. सो हेयर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी. हाउ मेनी टर्म्स, इस बात का मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है बेटा, आपको एन निकालना है, ओके. ऑफ एपी दैट इज 917.25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. कितने टर्म्स को मैं लूं कि सम ये आ जाए, यानी सम तो इतना आना ही आना है, तो सम तो हम यही लेके चलेंगे, ठीक है. तो अब ये देखिए फॉर्मूला जो है, जहां पे सम की बात हो रही है ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दैट. ये 636 है आपका. अब जो एस एन है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ए प्लस एल, ओके. सो एस एन आपको गिवन है 636, एन आपको नहीं पता कितना है, 2a. अब देखिए यहां से निकालते हैं हम, आपकी a कितनी है 9, आपका D कितना है 17 माइनस 9, ठीक है. तो ये देखिए अब आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 8. नाउ पुट हियर 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 एंड D इज योर 8, ओके. 636 इज इक्वल्स टू एन बाय 2. एक काम कीजिए, यहां सारे में देखिए, यहां 8 है यहां 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए 2, ओके. अंदर क्या बच गया आपके पास, 9 प्लस एन माइनस 1, और यहाँ क्या बच गया 4. 2 से 2 कैंसिल, हमने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी करना है, ये हो जाएगा n, 9 प्लस 4 एन माइनस 4. सो 636 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n, एंड दैट इज योर 4 एन प्लस 5, ओके. आफ्टर दैट 636 ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन, शिफ्ट कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0, ओके. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, मैं बता देती हूँ. इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास बनेंगे 53n एंड 48n, ठीक है. n हमें चाहिए ड्यू टू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके ये रूट आते हैं, ठीक है. नाउ टेक कॉमन, n इज कॉमन हियर, 4n प्लस 53, एंड 12 इज अ नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, ठीक है. और वैसे मैंने आपको बताया है कि अंदर वाली टर्म जो है वो आपके पास सेम होनी चाहिए, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा. 53 से इस टर्म को डिवाइड करके देख लीजिएगा, 12 आएगा, ओके. आफ्टर दैट हेयर इज 4n प्लस 53,
इक्वल्स टू जीरो, मैंने नेगेटिव बाहर लिया है तो अंदर के साइन हमने चेंज कर दिए। आपकी टर्म आ गई 4n+53, ओके, एंड n-12 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आपकी n की दो वैल्यूज आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू -53/4 और n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, n कैन नॉट बी इक्वल्स टू -53/4 एज n कांट बी रैशनल, ना तो वो रैशनल हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि टर्म है ना, एक टर्म को हमने नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 12, आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना था और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।